लाल कुआं तहसीलदार परिसर स्थित राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सर्किल रेट के शासन आदेश से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार को पूरी तरह जनविरोधी बताते हुए सरकार द्वारा लगाए गए सर्किल रेट को तुरंत वापस लेने की मांग की है। यहां नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित धरना प्रदर्शन में पहुंची नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार शासन आदेश में संशोधन कर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जारी किए गए सर्किल रेटों के बराबर रेट लागू करें, अन्यथा इसकी मार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर पड़ेगी। देखिए, सर्किल रेट तो बहुत बढ़े हुए हैं, इस पर लोगों ने जन आंदोलन भी किए, सरकार के लोगों से बात भी की, पर उन्होंने इसे ठीक नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी के समय सर्किल रेट उस समय बढ़े थे तो हम लोगों ने उसे देहरादून में ही सबसे ज्यादा थे उसे सुलझाया था, तो सरकार को धीरे से आवाज़ नहीं समझ में आती। जब उन्हें लगता है हमारे संगठन पर चुनाव पर फर्क पड़ेगा तभी समझ में आता है। और ये जो किया गया है, लालकुआ में इतने अमीर आदमी थोड़ी रखते कि वो बढ़ा हुआ सर्किल रेट दे सके, बढ़े हुए सर्किल रेट, उतने की तो ज़मीन नहीं होगी जितना सर्किल रेट का पैसा हो जाएगा। तो जो जियो किया था कांग्रेस ने जमाने में, उन्हें चाहिए था चुनावी वर्ष में कम से कम उसी जियो के आधार पर पैसा लेते। पैसा देने को तो हो सकता है जियो के आधार वाला भी ना हो, किस्तें भी अलाउ कर देनी चाहिए थी, हमने की थी इस मामले में। तो अब 2022 आ रहा है, हमें ये उम्मीद है कि परिवर्तन का मन जनता का बना हुआ है, तो ये 2022 तक ये सुलझा नहीं पाएंगे, हमारी सरकार आएगी। कांग्रेस जन मिलजुल कर कोशिश करें, अपने आपसी विवाद और उसमें उलझे नहीं, और कांग्रेस को लाने का प्रयास करें। हर कार्यकर्ता को मेहनत करनी होगी, फिर आपको आंदोलन में नहीं बैठना होगा। इस बीच पुलिस की बहुत शिकायतें आ रही हैं सब जगह, कोई आप ही क्या से नहीं आ रही है कि वसूली कर रहे हैं, पैसे की चालान कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा। इस पर भी हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि सब जगह धरना प्रदर्शन किया जाए, थानों के सामने या पुलिस में जो सबसे बड़ा अधिकारी उसके आवास के सामने, जो भी सुलभ और ठीक होगा, इस पर भी हम विचार कर रहे हैं। सब जगह शिकायत है, केवल लालकुआ की ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इनसे कह दिया गया इतना पैसा वसूल करके लाओ, ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं अपने ढंग से उसकी जानकारी भी प्राप्त कर रही हूँ। तो इस तरह तो कांग्रेस पार्टी का रहा हमेशा, आज तक देश की आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस के नाम पर चुनाव होता रहा, और जब बहुमत आ जाता है तो जो नेता चयन किया जाता है वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कि कोई नया काम हो रहा है, ऐसा ही होता रहा, ऐसा भी आगे होगा, क्योंकि पहले ही विवाद खड़ा कर दोगे तो फिर आगे चुनाव भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा है कि उस समय तो नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, और विशेषकर बिंदु खत्ता के लिए वो लंबे समय से थे, और मुझे भी विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में रहने का अवसर मिला, तो बिंदु खत्ता का अवसर, बिंदु खत्ता की आज जो स्थिति है, हम नारायण दत्त तिवारी हम लोगों के बीच में नहीं, उन्हें हमें याद करना चाहिए, और उनकी वजह से बिंदु खत्ता बन पाया। और उस राजस्व गांव का तो उसका दर्जा कोई छीन नहीं लेगा, क्योंकि जब आरक्षित वन क्षेत्र से किसी को बाहर कर दिया जाता है तो वो राजस्व गांव बन जाता है, उसमें मानने ना मानने का सवाल नहीं, जो नहीं मान रहे उन्हें भी मानना पड़ेगा।